हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। मैं कपिल सांडिले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप सबकी जो पढ़ाई जो अच्छे से चल रही है, अच्छे रूटीन से चल रही है, और डेली शेड्यूल जो आप बनाते हैं, टारगेट सेट करते हैं, उनको अचीव कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अपना शेड्यूल बना लीजिए और अपने टारगेट्स को जो है अचीव करना शुरू कर दीजिए। और एक टारगेट हमारा इसमें करंट अफेयर्स का पार्ट है, जिसमें हम 10 से 15 क्वेश्चन जो है डेली डिस्कस करेंगे आपके साथ, और उसका अगर आप कंटिन्यूस करेंगे तो वो रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने हमारी पहली क्लास करी है तो आपको देखिए यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होगा। वेयर डिड द मीटिंग ऑफ G4 कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड रिसेंटली। G4 कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री हैं, उनकी हाल ही में एक मीटिंग हुई है, वो कहाँ पर हुई है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा और हेग। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या होगा वो देख लीजिए। न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। न्यूयॉर्क में इतनी मीटिंग हुई है। तो G4 कंट्रीज कौन कौन सी है पहले ये देख लेते हैं। एक इंडिया है, जापान, जर्मनी और ब्राजील। ये चारों कंट्रीज जो है वो इसको मिला के G4 कंट्रीज कहलाती हैं। और इनकी डिमांड जो है वो है UNO में रिफॉर्म करना। UNO जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, तो उस समय पे जितने भी विनर कंट्रीज थी, एक चाइना को छोड़ के, वो सारी कंट्रीज जो है सिक्योरिटी काउंसिल में मेजॉरिटी रखते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लें तो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा कि 5 परमानेंट सदस्य हैं, ठीक है, और 10 नॉन परमानेंट सदस्य हैं, ये बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये 5 परमानेंट सदस्य जो हैं ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो है मोस्टली डिसीजन पे इनका अधिकार रहता है, वीटो पावर होती है इनके पास। तो इसमें भी कौन कौन है, एक तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन, फ्रांस, USA, चाइना और रशिया। तो इनकी डिमांड ये है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट्स है इसको बढ़ाया जाए और इन सबको इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और ये भी जो है इनका भी हक है उसमें शामिल होने का। ठीक है, तो ये किसके लिए डिमांड करती है, UNO में रिफॉर्म के लिए। UNO का हेडक्वार्टर आपको बताया है पिछली क्लासेज में कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। ठीक है, और एस्टेब्लिश कहाँ की गई थी, ये 24 अक्टूबर 1945 को। अभी 76th जो है UN जो है जनरल असेंबली जो है उसकी मीटिंग हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की थी, और वहीं पर आपने देखा कि क्वैड लीडर्स की भी बैठक हुई थी। ठीक है, वो थोड़ा सा पास में हुई थी, वाशिंगटन में। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो गया, न्यूयॉर्क राइट आंसर, यहाँ पर इसकी मीटिंग हुई है। और उसके साथ साथ देखिए, वाशिंगटन में क्वैड की मीटिंग हुई है, और जेनेवा में आपको बहुत सारे हेडक्वार्टर बताए गए हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रमिक संगठन WTO भी यहीं पर है। ठीक है, इसके अलावा आपने और भी कई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देखी थी, तो आप उसको पिछले, अगर नहीं देखी है तो उसको पिछले वीडियो में रियलाइज़ कर लीजिए, अपना तो रिवाइज कर लीजिए और अपनी तैयारी में उसको रियलाइज़ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए द हेग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पर नीदरलैंड में स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए जल्दी से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी, NCF कमेटी भी इसको बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स कमेटी। इसका चेयरमैन किसको बनाया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा बनाया जा रहा है, इसकी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, के कस्तूरी रंजन, सी रंगराजन, राकेश कुमार सुब्रमण्यम स्वामी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है के कस्तूरी रंजन, जो कि फॉर्मर इसरो चीफ रहे हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसके फॉर्मर चीफ रहे हैं। और ये जो है आपको बता देता हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसका ड्राफ्ट बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी के भी चेयरमैन थे। एक क्वेश्चन ये भी हो गया। ठीक है, तो इनको दिया गया है एक और दायित्व, क्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसकी कमेटी के अध्यक्ष इनको बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोहा में IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप किसने जीता। हु हैज वन द IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप इन दोहा। गीत सेट्टी, पंकज आडवाणी, रुपेश शाह और सुभाष अग्रवाल, किसने जीता है। देखिए, रेड स्नूकर विश्व कप वर्ल्ड कप है ये स्नूकर का, ब्लियर स्नूकर जो गेम होता है जो टेबल पे खेला जाता है, तो ये IBSF जो है 6 स्नूकर वर्ल्ड कप जीता है पंकज आडवाणी ने। और ये देखिए, इन्होंने ये 24th टाइम जीता है वर्ल्ड कप, कितना कंसिस्टेंट है, 24th टाइम जीता है। और ये कहाँ पर हुआ था, दोहा में हुआ था।
ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है कहाँ पे हुआ था। इसके साथ साथ कुछ ही दिन बाद पंकज जो आडवाणी हैं, अच्छा यहाँ पे इसने जो ये वर्ल्ड कप हुआ इसमें किसको बीट किया, ये भी ध्यान रखने की बात है, पाकिस्तान के बाबर मसीह को, ठीक है, इसको बीट करके ये खिताब जीता है। उसके कुछ ही दिनों बाद इन्होंने एक और खिताब जीता है जिसका नाम है एशियन चैम्पियनशिप, स्नूकर चैम्पियनशिप, ठीक है। तो ये एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप इन्होंने दूसरी बार जीती है, ठीक है। पहली बार जीती थी 2019 में, और 2020 में कोविड की वजह से जो वो कैंसिल हो गई, तो फाइनली अब 2021 में इन्होंने अपने किताब को बरकरार रखा है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहे हो गए हैं, और ये पंकज आडवाणी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हु वन द यूएस ओपन वुमेन सिंगल टाइटल, ठीक है, इसका एक काउंटर पार्ट हमने पहले भी किया है क्लास में, उसमें हमने यूएस ओपन मैन सिंगल पूछा था, ठीक है। टाइटल 2021 का किसने जीता है, यूएस ओपन वुमेन का सिंगल टाइटल, ठीक है। ऑप्शन है झांग सुई, एमा राडुकानु और लेला फर्नांडीज, और इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन हो सकता है आप बता दीजिए अगर आपको पता है, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एमा राडुकानो, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है जिन्होंने जो है वीमेन का सिंगल जो खिताब है टाइटल है वो जीता है यूएस ओपन में, और इन्होंने हराया है किसको, लीला फर्नांडीज को, जो कि कनाडा से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये कनाडा से बिलोंग करती है, इन दोनों ही ऑप्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं किसको हराया या सेकंड रन अप कौन रही, तो ये हमारा आंसर हो गया एमा राडुकानो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटेजिक ट्राइपैट्रिएट सिक्योरिटी अलायंस ऑकस, कौन सी कंट्री जो है, ये जो ट्राइपैट्रिएट एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है तीन देशों के बीच में जिसका नाम ऑकस, इसका हिस्सा नहीं है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया नहीं, ये जर्मनी नहीं है, यहाँ पर यूएसए, एक कंट्री यहाँ पे यूएसए है, ठीक है, तो यूएसए है, इसको ऑप्शन को हटा देते हैं, यहाँ पर एक कंट्री यूएसए है, ठीक है। अब देखिए जर्मनी या यूएसए, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा एक नहीं है, तो आप ओकस अगर नाम देखते हैं, देखिए तो इसमें आपको पता चल जाएगा क्या है, देखिए यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर यूके, यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पर यूएसए, तो ये इसकी स्पेलिंग आपको कहीं कहीं पर AUKUSP मिल जाती है, और यहाँ से ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूके है और यूएसए है, हालांकि ये पहले से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है, जहाँ भी कभी ये अभियान चलाते हैं, इकट्ठा ही चलाते हैं, लेकिन ये भी किया गया है इसमें, इसको कोशिश की गई है ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि चाइना पैसिफिक और हिंद महासागर में काफ़ी प्रभावी हो गया है, तो इसको न्यूक्लियर सबमरीन दिया दिया जाएगा, मिसाइलें दी जाएंगी, हथियार दिए जाएंगे इस समझौते से। तो ओकस किस किस के बीच में है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम, इनके बीच में है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, तो कौन सा नहीं है फिर, ये जर्मनी हो गया, ये बिल्कुल ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट, ये तो हो गया वही, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर वन द गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो इन टोक्यो पैरालंपिक 2021, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, तो हमारा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सुमिता अंतिल, अवनी लेखरा और मरियप्पन थंगावेलु, तो ये सारे ही ऑप्शन जो है हमारे इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है, तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए, आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा आंसर नहीं है, सही आंसर है सुमिता अंतिल, ये हरियाणा के खेवड़ा गांव जो कि मेरा गांव है वहां से बिलोंग करते हैं, और नीरज चोपड़ा जो है ये देखिए ये सिंपल ओलंपिक की जो हुआ था समर ओलंपिक उसमें तो ये जो है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं पैरालंपिक, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने जीता है, ठीक है, गोल्ड मेडल, तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, सुमित अंतिल, और अगर जेवलिन थ्रो में अगर ओलंपिक से पूछते हैं तो नीरज चोपड़ा हो गया, और अवनी लेखरा जो है उसने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है, ये पहली क्लास में हम कर चुके हैं, 10 मीटर राइफल में शूटिंग में इन्होंने जीता है। अब मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने ऊंची कूद में जो होती है हाई जंप में जो है पैरालंपिक में जो है वहाँ पर मेडल जीता है, तो ये सारे ही ऑप्शन आपको नाम जो आपको पता होने चाहिए, मरियप्पन थंगावेलु को ऑलरेडी जो है भारत रत्न खेल पुरस्कार जो है दिया गया है पिछले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस, ये जो खिलाड़ी जो जीतते हैं इन्हीं को खेल रत्न पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम अवार्ड आर रिनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है,
इनमें से कौन से खेल रत्न अवार्ड को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम दिया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल अवार्ड और ICC अवार्ड। तो आपको बताएं कि अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैं, जो कि स्पोर्ट्स के सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं, स्पोर्ट्स के सबसे बड़े पुरस्कार इनको माना जाता है, इनका नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जो है नाम पर इसका नाम रख दिया है। क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सबसे बड़े पुरस्कार अब ये हो गए हैं, ठीक है। और 29 अगस्त को इनका जन्मदिन मनाया जाता है, जिसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल गेम्स डे, ठीक है। तो ये जो है आपको कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है, सही आंसर तो हमें पता चल गया, इनका नाम बदल गया है, ठीक है। अब द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोचिज को दिया जाता है, जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं जो कोच खेलों में, और अर्जुन अवार्ड जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। ICC अवार्ड जो है ICC इंटरनेशनल काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल के द्वारा दिया जाता है क्रिकेटर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंट्री इंडिया ऑर्गेनाइज द बायलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, किस कंट्री के साथ जो है द्विपक्षीय समुद्र शक्ति जो है अभ्यास का आयोजन किया गया है? नेपाल, देखिए नेपाल तो वैसे भी कट जाएगा क्योंकि समुद्र शक्ति है, समुद्र में अभ्यास किया जाएगा, तो ये नेवी के बीच में अभ्यास है, तो एक ऑप्शन तो आप ऐसे काट सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, नेपाल चला गया। भूटान भी चला जाएगा क्योंकि भूटान भी एक लैंड लॉक कंट्री है और यहाँ पर कोई समुद्र नहीं है, तो हमारे पास अब ऑप्शन बचे हैं श्रीलंका और इंडोनेशिया। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर है इंडोनेशिया के साथ हमने जो है समुद्र शक्ति नाम से जो है एक नेवल एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज जो है नौसैनिक अभ्यास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रिसेंटली द स्टेट इन विच द वर्ल्ड हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वॉज इनोग्रेटेड, तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लिया जाता है, स्टेटिक जीएस में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली किस स्टेट के अंदर जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज स्टेशन जो है बनाया जा रहा है? तो आप देखते हैं कि हमारी पॉलिसी शिफ्ट क्या हो रखी है कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे व्हीकल लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जो CNG पे बेस चलते हैं, जो पोल्यूशन कम करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है आजकल कारें जो हैं आने लगी है, तो इसके लिए फिर हमें CNG पंप भी चाहिए और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए। तो एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो रिसेंटली जो है वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचे स्थान पर किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या लद्दाख या जम्मू कश्मीर से किसी से भी हो सकता है, सारे ही पहाड़ी एरिया है, लेकिन हमारा सही आंसर है हिमाचल प्रदेश के स्पीति जो है वैली है उसके अंदर एक स्थान है जिसका नाम है काजा। यहाँ पे काजा टाउनशिप भी है तो काफ़ी फेमस है, विजिटर हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, हमारा सही आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं जल्दी से। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्टर, कौन सा एक्टर है जिसे अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा, अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? द एक्टर हु हैज बीन कन्फर्ड एज द ऑनररी डॉक्टरेट इन हिंदू स्टडीज बाय हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, तो यह इसका सही आंसर बता दीजिए, कौन सा एक्टर है जिसको यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। मानद उपाधि दी गई है किसकी, हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की, तो अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, नाना पाटेकर, तो काफी मंझे हुए हैं सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा अनुपम खेर को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो हमारा ये 10 क्वेश्चन का सेशन खत्म हो गया है। आपको जो जो रेगुलर क्लास करेंगे उनको रिवीजन भी साथ साथ होगा, इसलिए क्लास से जुड़े रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो समसामयिक की यानी कि करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चंस है वो उसका शेयर बढ़ता जा रहा है, जब जब शिफ्ट बढ़ रही है, बहुत सारी शिफ्ट हो जाने पर क्वेश्चन हमें चाहिए चाहिए, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की डेप्थ भी देखी जा रही है। तो करंट अफेयर जो है 50 से मतलब 30 से 50% जो है जीएस का पार्ट होता जा रहा है, तभी पेपर हार्ड बन पाएगा, और बहुत सारा करंट अफेयर जो है आपको दिया जाता है पेपर में शिफ्ट में, तो इससे जुड़े रहिए, ठीक है। हमारी क्लास रेगुलर रहेगी और रेगुलर क्लास में आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा और बीच बीच में टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो आप अगर आपको एक क्लास पसंद आई है तो जो हमारा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जो है इसको लाइक कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर रहेगा सब कुछ, रेगुलर आपकी पढ़ाई चलती रहेगी तो आपका एक अच्छा सोर्स ये चैनल रहेगा, करंट अफेयर जो है रेगुलर चलेगी, 7 दिन चलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो है इसके फैक्ट जो है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं, तो इसको लाइक जरूर कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए जो आपके नॉन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सजेशन कमेंट कर सकते हैं या कोई क्वेरी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका जो रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। और उस हिसाब से आप हम अपनी स्ट्रेटेजी को भी मॉडिफाई करेंगे। तो अब मैं अब लास्ट में बताता हूँ कि मेरी फेवरेट कोटेशन आराधन का, तुम दृढ़ आराधन से दो उत्तर, सुबह सुबह ये वीडियो देख रहे हो तो मेहनत का मेहनत से उत्तर देने का समय आ चुका है,
अपने आप को मोटिवेशन कर लो, एनर्जी भर लो अपने अंदर, मेहनत को कंपटीशन को कंपटीशन से उत्तर दो, ठीक है। अगर कोई मेहनत कर रहा है तुमसे आगे चल रहा है उसको दुगनी मेहनत से उत्तर दो, वो ज़्यादा पढ़ रहा है तो उससे ज़्यादा मेहनत पे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। फेलर से मत डरो, ठीक है, फेल तो सभी होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फेलर से सीखो, ठीक है। जब तक आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगे तो फेल तो होगे ही नहीं, डरोगे तो तुम आगे निकलोगे नहीं। तो वही कहते हैं ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरोगे तो कैसे समुद्र पार करोगे, ठीक है। अपने फियर्स को फेस करो, तो गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो सहसवार जो घोड़े की सवारी करते हैं ना, वही मैदाने जंग में नीचे गिर सकते हैं घोड़े से, ठीक है। वो बच्चे क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे, ठीक है। तो आप जब कुछ करेंगे तो आपको चोट लग सकती है, साइकिल सीखते हैं घोड़ा सवारी करते हैं, लेकिन हौसले के साथ फिर आप सीख भी तो जाते हैं ना, तो बच्चों की तरह घुटनों पर चलने का कोई फायदा नहीं है। हौसले के साथ आगे बढ़िए और अपने जो है फेयर्स जो है एग्जाम जो है उसको फेयर कीजिए, और नो डाउट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे, तो आप जो है सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और लाइक कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए जो भी आपको जो मन में बात आई है, और हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको है इन्फॉर्मेशन, रेगुलर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी रिगार्डिंग जो वेरियस पोस्ट, और मटेरियल जो है आपको सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर यूट्यूब का जो है लिंक भी आपको मिल जाएगा। ये बेल आइकन एक होता है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसको दबा लीजिए, जब भी कोई वीडियो जो है आप रूटीन में पढ़ेंगे, कभी आप मिस नहीं करें, तो आपको जो है इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।